मतलब डॉक्टर ने सामने मुझे मना कर दिया था, आपके बेबी नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने एक से एक बड़े डॉक्टर, अपोलो, सीताराम भरती, इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए। एक कई बार मैं डॉक्टर क्या कर होती थी कि आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं और आप लोग मुझे मना कर रहे हैं। जय साईनाथ, मेरा नाम बबीता है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं आज आप सभी लोगों को बाबा की कितनी कृपा है हमारे ऊपर ये सब बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपना अनुभव बताऊँगी कि मेरी शादी हुई और शादी के 5 साल तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। हम दर मतलब कोई डॉक्टर, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब कुछ जा जा के हम लोग थक गए। इवन डॉक्टर ने भी हमारे आगे हाथ जोड़ दिए कि हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बाबा का सहारा था। और हम दिन रात बस बाबा की पूजा करती थी, मैं साईं चरित पढ़ती थी कि बाबा ऐसा तो नहीं है कि नहीं, मेरे को कोई बीमारी नहीं निकल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, लेकिन फिर भी हमारे बेबी नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं 7 दिन का साईं चरित उठाती हूँ, और मैंने वो उठाया। मैंने जून में उठाया और जुलाई में मैं कंसीव कर गई। तो बाबा की सबसे बड़ी कृपा ये है मेरे पास कि आज मेरी एक बच्ची है, उसके बाद एक बेटा हुआ। और मतलब उस बात को मैं अभी भी कभी सोचती हूँ तो मन जो है घबरा जाता है। मतलब डॉक्टर ने सामने मुझे मना कर दिया था, आपके बेबी नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने एक से एक बड़े डॉक्टर, अपोलो, सीताराम भरती, इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए। एक कई बार मैं डॉक्टर क्या कर होती थी कि आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं और आप लोग मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन सब ने मना कर दिया था। सिर्फ एक बाबा का दरबार था जो मेरे लिए खुला था और आज तक खुला हुआ है। मैं छोटी सी छोटी परेशानी जो भी होती है वो सिर्फ बाबा का नाम लेती हूँ और साईं चरित पढ़ती हूँ कि बाबा मुझे इसका जवाब चाहिए। तुरंत वो मेरे सामने आंसर आता है और मेरा काम हो जाता है। चाहे वो छोटी सी मेरी छोटी सी भी छोटी परेशानी होती है, सिर्फ मैं बाबा के आगे बोलती हूँ। और सच बताऊँ, मैं 82 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी पूना, तब हम पहली बार शिरडी गए थे। तब बाबा का बहुत छोटा सा मंदिर था, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से मुझे विश्वास था। लेकिन शादी के बाद ऐसा रहा कि हम हर साल जाने लगे, बाबा की कृपा रही, हम जाते रहे और आज भी कृपा है कि हम चले जाते हैं शिरडी। जब भी हमारा मन करता है हम शिरडी जाते हैं और मन की शांति हमें वहीं मिलती है। मैं सारी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन बाबा की पूजा के अलावा मेरा कहीं मन नहीं लगता है, मेरा मन ही नहीं लगता है दूसरी पूजा में। मैं नवरात्रे करती हूँ, मैं दिवाली करती हूँ, मैं होली करती हूँ, मैं सारी पूजाएँ करती हूँ, लेकिन सिर्फ बाबा की 2 मिनट की जो पूजा करती हूँ उसमें मेरे मन को शांति मिलती है। और अभी भी कभी कोई परेशानी आती है तो मैं लोधी रोड मंदिर, नोएडा मंदिर जाके सिर्फ मंदिर में बैठती हूँ कि बाबा सब कुछ तुम्हारे पास ही है, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। और दूसरा अपना अनुभव बताना चाहूँगी आप लोगों को, ये जो साईं सेवा समिति है, मेरा बेटा बेटी के 3 साल बाद हुआ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम एक साईं संध्या बहुत ज़ोर से कराएं, लेकिन सामर्थ्य नहीं थी हमारी कि हम 3 से 4 लाख रुपया लगाएं। तो क्या करें, यही सोचा चलो छोटी सी करा लेते हैं, लेकिन नहीं, बड़ी कराने की इच्छा थी कि बड़ी साईं संध्या कराएं। बाबा ने हमारे सारे काम किए हैं तो हम एक साईं संध्या कराते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने 2-3 लोगों को इकट्ठा किया, हमने सोचा चलो 4 लोग मिलके कराएंगे, 5 लोग मिलके कराएंगे, 6 लोग मिलके कराएंगे। बाबा की इतनी कृपा रही है कि आज हम 10वां साईं समिति का जो हमारा भजन संध्या है, हम 10वीं मना रहे हैं और हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बाबा की कृपा से सारे काम हो जाते हैं। बहुत बड़े स्केल पे हम लोग हर साल बाबा का कीर्तन करते हैं। बस यही बाबा की मैं चाहती हूँ कृपा बनी रहे, हमारे छोटे बड़े जो भी काम हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब देखते रहें और सब दूर हो जाए। जय साईनाथ।